बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बना रही हूँ गजरेला या गाजर की खीर भी कह सकते हैं इसे। इसके लिए दूध मैंने लिया है 2 किलो, आधा किलो गाजर ली है, 1 प्याली मलाई है, खोया है और पिस्ता बादाम, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें, और चावल मैंने लिए हैं थोड़े से, आधी प्याली से थोड़े से ज़्यादा हैं, और ये चांदी के वर्क है। अब सबसे पहले चावल जो से हैं वो मैं आधे घंटे के लिए उसे भिगो लूँगी पानी में, और गाजर जो है वो भी क्रश करके तो रख लूँगी जी। चावल मैंने आधा घंटे के लिए भिगो लिए थे और गाजर भी मैंने क्रश कर लिया है। अब मैं सबसे पहले जो से ना चावल को बॉईल करूँगी, वो इतना पानी डालूँगी जितने में जिसमें चावल जो से हैं वो हमारे गल जाएँ और बिल्कुल नरम हो जाएँ। ये मैं अलहदा से इसलिए बॉईल कर रही हूँ ताकि ना टाइम की बचत हो और जल्दी तैयार हो जाए हमारा गजरेला जी। चावलों में मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसे बॉईल होने के लिए रख दूँगी चावल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध मैंने ले लिया है और ये कच्चा दूध है, इसको मैंने पहले बॉईल नहीं किया। अब मैं इसे इसमें डालूँगी क्रश की हुई गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके साथ ही जो मैंने चावल बॉईल किए थे वो भी मैं डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह, चावल अगर मैंने आधी प्याली से कुछ ज़्यादा लिए थे और तकरीबन 3 से 4 प्याली जो था ना मैंने इसमें पानी डाले थे, 3 प्याली, और इसी में जो सा ना चावल बॉयल हुए हैं, ना मैंने इसमें नमक डाला है, ना ही कोई ऑयल घी वगैरह कुछ भी नहीं, बस सिंपल इन्हें बॉयल किया। चावल बिल्कुल ऐसे गले हुए होने चाहिए, इससे यह है कि टाइम की बचत होगी और खीर जो सी है गजरेला जल्दी तैयार हो जाएगा। जी वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। दरमियानी आंच पे इसे पकाएं, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ और ना बहुत ही हल्की, हल्की रखेंगे वो लग जाएगा, नीचे जल जाएगा। जी गजरेला हमारा तकरीबन 70% हो गया तैयार, थोड़ा सा रह गया इसको ना, बबल बनना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ मैं इसमें डालूंगी मलाई जो मैंने एक बाउल रखी हुई थी, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को देखने का, लाइक करने का। इनमें अशफाक अहमद हैं, आतिफ जावेद हैं और समेरा महमूद, आप सबका बहुत शुक्रिया। और अगर कोई सजेशन हो या कुछ फरमाइश हो तो वो भी आप ज़रूर करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी पूरी हो आपकी जी। अब बबल करना शुरू हो चुके हैं, अब यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी चीनी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने एक बॉल जो सर वो भर के मैंने चीनी इसमें डाल दी है। चम्मच मुसलसल चलाते रहें,
बहुत मुफीद है, कितने रेसिपी है, बिजलीदार बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। कुछ लोग इसमें कच्चे चावल भी डालते हैं, कच्चे भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। और जैसे मैंने तो बॉईल करके डाले हैं, अब ये जल्दी तैयार हो चुका है। थोड़ी सी आँच तेज में कर रही हूँ इसकी, और बाकी चीनी जो मैंने डाली है उसका भी पानी इसमें पक जाए अच्छी तरह। बबल बन रहे हैं, समझ रहे हैं बिल्कुल ना पक चुके हैं। तभी मैंने ये पिजरेला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये देखें ऐसे यकजा हो चुके हैं, चावल भी गाजर भी इसमें। अब यहाँ मैं इसमें डालूंगी बादाम और पिस्ते। इसके साथ ही खोया डालूंगी। चूल्हा मैं कर दूंगी बंद बिल्कुल। अब मैं डिश आउट करूंगी। बिस्मिल्लाह। बहुत जल्दी तैयार होने वाले डिज़र्ट है, ऐसे ठंडा करें, फ्रीज़र में रखें तकरीबन आधा घंटा, पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें इसे, फिर इसे रखें फ्रीज़र में। अब मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी। पिस्ता बादाम मैंने मिक्स कर लिया था, इससे मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी। ये चांदी के बाद मैं इस पर लगा दूंगी।